सऊदी अरेबिया ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का प्रवेश द्वार कहा है और इसे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताने वाले तबलीगी जमात पर सऊदी अरेबिया के इस फैसले का अब गहरा असर पड़ेगा। भारत में भी अब तबलीगी जमात को बैन करने की मांग दोबारा उठने लगी है। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के शुरुआत में दिल्ली में तबलीगी जमात के एक जलसे को लेकर भारी बवाल मचा था। उस समय कहा गया था कि तबलीगी जमात भारत में कोरोना का सुपर स्प्रेडर था। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया का ये फैसला किस तरह से तबलीगी जमात के अंत की शुरुआत है। दरअसल सऊदी इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि तबलीगी जमात समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और आतंकवाद का प्रवेश द्वार है। इतना ही नहीं, सऊदी सरकार ने मस्जिदों से अपील की है कि वो लोगों को इस खतरनाक जमात से न जुड़ने की चेतावनी दें और उन्हें बताएं कि तबलीगी जमात आम लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद की तरफ भटकाता है। इस खबर के बाद अब सोशल मीडिया पर कई लोग भारत में भी इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही तबलीगी जमात है जिस पर साल 2020 में धर्म के नाम पर देश को कोरोना की तरफ धकेलने का आरोप लगा था। उस वक्त कई बुद्धिजीवी तबलीगी जमात के बचाव में आ गए थे। अब सऊदी अरेबिया के इस फैसले के बाद उन सभी फर्जी बुद्धिजीवियों के मुंह सिल गए हैं। जब भारत में कोरोना की शुरुआत हुई थी तब तबलीगी जमात ने दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज का आयोजन किया था। आरोप लगा था कि इस मरकज में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। बहरहाल सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात पर बैन लगाकर कई मुस्लिम देशों को कड़ा संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि इस जमात का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तबलीगी जमात को कई मुस्लिम देशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती है। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार तबलीगी जमात के 35 करोड़ लोग दुनिया के 150 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तबलीगी जमात की शुरुआत लगभग 100 साल पहले देवबंदी मौलाना मोहम्मद इलियास कंधलवी ने की थी। माना जाता है कि इस जमात का मकसद इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को दुनिया तक पहुंचाना था, लेकिन इस जमात में आतंकवाद का रंग डालने में पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने तबलीगी जमात का इस्तेमाल हमेशा ही आतंकवाद को फैलाने के लिए किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.